Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Is it chand paida nahi? Mahanuma aapke liye amma ko kabhi nahi chhodegi. Jabki maine aapko kabool kar liya hai. Nazneen ko chhod do. उसे उसके घर वापस भेज दो। आपको अंदाजा भी किस कदर तकलीफ में होंगे आपकी वजह से। इस हवेली में कोई वारिस नहीं बचेगा। शर्म कर, कैसे राहिल भाई से राहिल पे आ गई? और नहीं तो क्या, मैंने अब बस सोच लिया है, दिल राहिल की दहलीज पर रख दिया है मैंने। अरे बस कर, मैं अभी जाकर बेबे को सब कुछ बताती हूँ, ये भी बताती हूँ कि तू हिजड़ा नहीं है, तू हिजड़ा बन है। राइड पे हो गया? नहीं। तो फिर खा क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैंने सस्ती चीजें खाना छोड़ दी हैं। हैं? खैरियत तो है तुम्हारी ऊपरी मंजिल में। बहुत ज्यादा खैरियत है, इसीलिए तो तुम जैसे सड़क छाप को मुंह नहीं लगा रही। वाह, आज तो तुम मिस मोहल्ला बनने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें पता है आप ही ना आज स्कूल नहीं गई? पता है, राहिल को मिलने गई है। क्या, भाई क्यों नहीं लगाया? अभी लगा देती हूँ। मोहसिन भाई। मोहसिन, मोहसिन भाई, मेरे नाम के साथ तुमने भाई, तुम पूरी की पूरी पागल हो गई, पता है? डॉक्टर के पास जाओ तुम। दिमाग तो तुम्हारा खराब होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मैं तो दुबई जा रही हूँ। हाय, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है, याद ही नहीं आ रहा। अरे ओ सड़क छाप, वहां मेरी बेटी के कमरे में क्यों घुसा बैठा है? मानुमा, मैं अब तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं दे सकता। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल 10 बजे ठीक तैयार होके मेरे घर आ जाना, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या ये धमकी है राहिल? नहीं, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। प्लीज, तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। भी राहिल, कोर्ट मैरिज, वो भी अम्मी के बगैर? मैं यहाँ इसलिए आई थी कि हम लोग मिलकर मना सके अम्मा को। अब मैं अम्मा को तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर मुझे छोड़ दो। वो भी नहीं कर सकती मैं, एक तरफ मेरी माँ की जन्नत है तो दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तय तो तुम्हें ही करना होगा। सलाम बेबी। क्या चाहिए? मैं सीमी को लेने आई। क्यों? होमवर्क रहता है, वो कराना। ट्यूशन लगवा दी है मैंने, करवा देंगी होमवर्क। खाना खिलाना है। लाली, ओ लाली, खाना लगा मेरी शहजादी के लिए। कोई ऐसी राह नहीं है जिससे मुझे किसी गुनाह में मुब्तला ना होना पड़े? कोर्ट मैरिज कोई गुनाह नहीं है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तुम कल टाइम पर तैयार होकर आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे।
मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, कल अगर तुम यहां आ गई तो ठीक, वरना फिर कभी नहीं। मैं कसम खाता हूं अम्मा, मुझे तेरी कसम नहीं, मैं अपनी कसम खाता हूं, अपने काम का। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे अपने मुझसे यूं खींचते चले जा रहे हैं। खबरदार इसके करीब मत आना, ये क्या बदतमीजी है। और जो तुम करने जा रही ठीक है वो मत भूलो मालूमा, रिश्ता अभी एक छल्ले की कैद में है, वो निकाह वाला शोहर नहीं है तुम्हारा। इस चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। अम्मा देख अम्मा, हाथ डाल रहा हूं, हाँ कुछ बोलना मत, हाँ अम्मा देख हाथ डाल रहा हूं, हट परे मुझसे। ए अम्मा, ए मेरी प्यारी अम्मा, ए देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं अम्मा, ए किसी को कुछ मत बताना, ए बेबे सरकार को तो बिल्कुल ना बताना, जान से मार देगी मुझे। तू भी तो उसके बेटे की जान लेना चाहता है। हाय अल्लाह, ए कसम ले ले अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, भला मैं साजे सरकार को कैसे मार सकता हूँ। हाँ हाँ तू तो हिजड़ा है, झूठे धोखेबाज हिजड़ा बनता है ताकि तू बेबे के साथ रह सके और हवेली की हर खबर पे नजर रख सके। देखा माँ, मैं सिर्फ तेरे आसपास रहना चाहता हूँ, मुझे और किसी से मोहब्बत हो या ना हो तो उससे बड़ी मोहब्बत है। हट परे मेरे करीब मत आ। अच्छा ठीक है, नहीं आता, देख मैं तेरे पाँव छोड़ मुझे। देखा मां, मैं मानता हूं अपनी गलती, मानता हूं अम्मा, तूने हमेशा मेरी गलतियों पे पर्दा डाला है, मुझे बचाया है अम्मा, मैं ही बदबख्त हूं जो तुझे सताता रहा, मैं वादा करता हूं अम्मा, मैं कसम खाता हूं अम्मा, मुझे तेरी कसम नहीं, मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपने काम का। तू झूठ बोल रहा है। अम्मा कसम खा ली है ना, तो खा फिर अपने पाप की कसम, खा ना। अम्मा जो मर गया है उसने दोबारा तो नहीं मरना, जिंदा तो मैं हूं ना, इसलिए मैंने अपनी कसम खा ली है, मैं वादा करता हूं मुझे एक मौका दे के देख, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुझे मेरे खिलाफ कर दे, माफ कर दे अम्मा, देख बेबे को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं। चल ठीक है, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है अम्मा, मेरी जिंदगी में बुराई तेरी वजह से आई है, तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और कोई बहाना मेरे सामने से इसे हटाने का? तेरी जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि अब ये तेरा दूध नहीं पीती। मगर ये मेरी बेटी है, माँ हूं मैं इसकी, दादी हूं इसकी, बेबे हूं इसके बाप की माँ हूं मैं, बहुत सारे रिश्ते हैं इससे मेरे, अब पता चल गया।
चल जा अब। खबरदार इसके करीब मत आना। मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करें। आपको महरीन का वास्ता, मेरी मामता को मत तड़पाएं। मेरी महरीन मुझे वापस ला दे। उसे मैं सीने से लगाकर अपनी आंखों की प्यास बुझा लूं, फिर ले जाना तू उसे। लेकिन महरीन को वापस लाना तो नामुमकिन है। अब इसका तेरे साथ जाना भी नामुमकिन है। चल जा। अरे तुझे भी बहन की शादी का पता चल ही गया ना? तो क्या नहीं पता लगना चाहिए था? वैसे भी अम्मा, आपने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। बस मैं ही हूँ जो इस घर की खुशियों के लिए जिए जा रहा हूँ। हाँ, ये लड्डू खा खा कर खुशी से फूलता ही जा रहा है। अरे तो हाँ भाई, मेरी बहन की शादी है और अम्मा, मैंने सोच लिया कि मैं तो माही का हाथ पकड़कर मरीन क्लब तक नाश्ता हो जाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है तू? सुन रही है, तेरी शादी में तेरे साथ नाचने की ख्वाहिश रख रहा है ये नचोड़ा। इसकी शादी? हाँ इसकी शादी। हाँ मेरी शादी, और वो भी राहिल से। मेरी शादी की खुशी में लड्डू खाओ ना मोहसिन भाई। शमोन प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, घर आ जाओ वापस। तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि तुम्हारी माँ बहनें भी हैं? कुछ नहीं लगते क्या हम तुम्हारे? मैं आपको बड़ी बहन समझता हूँ और मारुख को छोटी बहन समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो जमीला नहीं समझती है ना। वो अगर नहीं भी समझती तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना कि हमारा भी कोई हक है तुम पर। कैसे समझाऊं? तुम्हें तो मालूम है कि उसका कोई बहन भाई नहीं है, और वैसे भी मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत मजे में रखा हुआ है। आप यकीन करो, पानी का सोचता हूँ तो सामने आ जाता है, चिकन का दिमाग में आता है तो तिक्का सामने। हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं भाई, बहुत मस्त है मेरे ससुराल वाले। शमून तुम्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, कभी अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं करोगे। क्या मतलब? मैं रोज नौकरी पे जाता हूँ, अपना खर्चा अच्छे से उठा रहा हूँ, और मेरे ससुराल वाले मुझसे बिल्कुल बेजार नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अम्मी को ये ख्याल कैसे आया कि मारुख से ऐसे जान छुड़ा लेनी चाहिए? सबको अपनी अपनी जो पड़ी है, वहां माँ अपना सोच रही है, मारुख को वैसे किसी की भी होश नहीं होती, तुम्हें भी कोई परवाह नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे अपने मुझसे यूं खींचते चले जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? और जो तुम करने जा रही, ठीक है वो? वाह, आज तुमने तो जुबान निकाल ली है। और तुमने अपनी असलियत मारो, तुम अपनी माँ जैसी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? मेरी बहन का गम ना खाए तुम्हें। मारो प्लीज लिसन। चाहता हूँ मैं तुम्हें यार, पर मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम जैसे बेसहारा और यतीम को, तुम्हारा और मेरा क्या जोड़? मैं अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाऊं जाकर? शमून बस कर दो प्लीज, भला अब हमारे घर की लड़की कोर्ट में जाएगी, वो भी इस बात के लिए। अभी मैं मरा नहीं हूं अभी। मुझे पूरी उम्मीद थी तुमसे शमून कि तुम मान जाओगे। जमीला मैं तुमसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज अपने घर वापस आ जाओ, वो तुम्हारा ही तो घर है। मुझे मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त तुम लोगों की, वरना मैं ऐसे नहीं कहती। कौन सा अपना घर मालूम?
अपना घर वो होता है जहाँ इंसान सुकून से रह सके, और वैसे भी उस घर में तो ऑफिस की तरह दिन रात आपकी अम्मा जी की ड्यूटी देते रहो। भाई हम तो बहुत खुश हैं यहाँ अपने इस घर में, क्यों जी? हाँ हम बहुत खुश हैं, और मेरे ससुराल वाले जो है ना बहुत अच्छे हैं। इतना खुश तो ये कभी अपने मैके में भी नहीं थे। ये सही कह रही है बाजी, चाय लें, बहुत जबरदस्त चाय होती है और रंग भी कमाल है इसके हाथों में। मुझे तो फिलहाल अपनी जिंदगी के रंग बुझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब्बा जिंदा होते तो आज ये सब कुछ हो ही ना रहा होता। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी शमून कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो शायद तुम समझोगे, लेकिन देखो अब परेशान नहीं हो, हम आएंगे। वो मेरा मतलब है कोशिश करेंगे, बात करने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। थोड़ा टाइम? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मारो, तुम जैसी खुदगर्ज के साथ मैं अपना तो क्या गली के किसी कुत्ते का भी जोड़ ना बनाऊं। अपनी औकात मत भूलो, समझे? मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया है, डांटा है, पर तुम तो कुदरती मुसीबत की तरह सड़ पे पड़ गए हो। मुसीबत बहुत जल्द तुम पर आएगी मारुख। ये जो तुम्हारे नाम में मारुख का रुख आता है ना, ठीक इसी की तरह तुम भी अपने रुख बदलती रहती। तो मेरी तो क्या किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गई मिलकर राहिल से, सोच लिया उसने? सोच रहा है, कल आएगा। तुम क्या कंधा देकर बैठी थी? मत भूलो मानुमा, रिश्ता अभी एक छल्ले की कैद में है। वो निकाह वाला शोहर नहीं है तुम्हारा? वो मेरा मंगेतर है अम्मा। तो किस मजहब में मंगेतर से यारी रखने की इजाजत है? मैं वहां से पत्नी तसल्ली करने के लिए गई थी। हो गई तसल्ली? हो जाएगी वो भी। तो क्या सारा दिन उसकी याद में गुजार के आई है? कहाँ थी तुम? मुझे एक एक कदम का हिसाब दे। शमून के पास भी गई थी अम्मा। शमून के पास गई थी? अरे कैसा है मेरा बच्चा, कैसा लग रहा था, अरे बताना। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है वहाँ। मेरी याद आती है उसे? बोल, एक साथ सब कुछ बता दे। है क्या याद दिला दिया, सारी दुनिया की परेशानी एक तरफ और बेटे की याद एक तरफ। अरे मेरी नेकबख्त, नक्श के नक्श बता दीजा भाई का हाल अहवाल जमीला को जन्नू में डालकर। हाँ वो कह रहा था कि आएगा कल। अब वाकई? है मेरी बच्ची, तूने हर बार माँ का दिल खुश किया है। तू देखना किसी दिन ऐसा वक्त खुलेगा कि गली गली कूचे कूचे गूंज होगी तेरी बारात की, मेरी बहनों की मलिका, मेरी रानी। हाय ठंड डाल दी तूने माँ के कलेजे में। सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी, किनू जा मैं कवा हुण तेरे बिना माए नी। अखियां रोण 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 नाम तेरा ले ले जिंदड़ी रोल रोल रोग लोग लागे मसले। हाय केड़े पासे जावा कोई राह ते वखानी माए नी, तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी। आजा गल नाल लाजा माए नी, हाय नी। आजा गल नाल लाजा माए नी, तेनु वास्ता खुदा दा हाय नी। आजा गल नाल लाजा माए नी।
से ऐसी नाराजगी क्या है मालूमा? मैं तो खुद तलवार पर खड़ी हूँ। मैंने थोड़ी ना अम्मा को मशवरा दिया है कि तुम्हारे हाथ की मेहंदी मुझे लगवा दे। मारो, मुझे पता है जो सब कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि तुम फिर भी खुश हो, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। मालूमा, जिस भी लड़की की शादी की अचानक बात हो वो बौखलाहट में शर्मा ही जाती है, पर पता नहीं लोग उसे खुशी क्यों कहते हैं। राहिल से शादी जिसकी भी हो, फर्ज तो अम्मा और मरे हुए अब्बा के सर से ही उतरेगा ना। तुम अपने दिल से मेरे लिए ये मैल निकाल कर देखो, मेरे नजरिए से सोच कर देखो, कहीं कुछ गलत नहीं होने जा रहा, सच्ची। और मेरी तो इतनी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी में क्या कुछ नहीं करूंगी। तुम देख लेना, राहिल तुम्हारा इंतजार कर कर के भाग जाएगा, और फिर ये सुख ना तुम्हारे हाथ आएगा ना मेरे हाथ। अम्मा को तो बस तुमसे नवाला छीनने की आदत हो गई है, बहुत खुदगर्ज है वो। नहीं मारो, अभी भी पूरे तरीके से मेरी उम्मीद टूटी नहीं है, अभी भी मेरा दामन मुकम्मल तरीके से खाली नहीं हुआ। चला, मैं आप पूरा यकीन है कोई तो रास्ता निकलेगा। मैं दाना डालू और मुर्गा ना फंसे, ऐसा कभी हुआ है? छुआ होगा। शमून, मारो को तुम कह रही थी ना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूरा यकीन था शमून कि तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। तुम लोग यहाँ आ गए हो ना, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। अपनी मर्जी से उठो बैठो, अपनी मर्जी से रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग। अंदर आओ, मैं अम्मा से मिलाती हूँ। आओ जमीला। इतना बनाओ सिंगार करके भी मैं उजड़ी हुई लग रही हूँ। अपनी मोहब्बत का कोई आखिरी पैगाम थे ना तो बताते। भीख का प्याला होता था इनके हाथों में, सारे मोहल्ले में मांगते फिरते थे अपने शौहर को। आखिरी बार अलविदा कहते मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना उसके कातिलों के पुरसकून चेहरे देखकर होगा। निकाह करने जा रही हूँ मां। इस चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। बेबे सरकार। लाली, मेरा दिल कहता है कोई मेरी सांस पर अपने पांव के दबाव से मेरी जान लेने आ रहा है, कोई आ रहा है खबर लेकर। बेबे सरकार, थोड़ा पानी पी ले। ये खून की प्यास है लाली, पानी के दो घूंट से नहीं बुझने वाली। हाय बेबे सरकार, हम टूट गए। हाय हम बर्बाद हो गए बेबे, बड़े सरकार को कहां से लेके आएंगे बेबे, हम यतीम हो गए। हाय हम सब यतीम हो गए बेबे। हाय हमारे इतने बहादुर चौधरी, इतने दिलेर चौधरी, इन भेड़ियों की चाल में कैसे फंस गए बेबे, बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं रहा। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेबे पापा से खुद नहीं रहा मैं। जो लेकर आए हो वो खबर बता दो। तारीख तय हो गई है, फांसी की। Thank you.
میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ کو وڈے سائی سے آخری ملاقات کے لیے چلنا ہوگا. آخری ملاقات؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالا تھا, ابھی تو میں نے آفتاب کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی تھی. آخری بار کس کے کندھے پہ سر رکھ کر مروں گی میں؟ ساجد, وڈی حویلی سے کوئی یہاں آنے نہ پائے, اس بات کا خاص خیال رکھنا. اپنے شوہر کو آخری بار الوداع کہتے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا اس کے قاتلوں کے پرسکون چہرے دیکھ کر ہوگا. ارے میرا بچہ آ گیا. ماں کا کلیجہ کہاں چلا گیا تھا ماں کو چھوڑ کر؟ کتنے ارمانوں سے مانگا تھا تجھے بڑی درگاہ سے. مانو دیکھ تو صحیح بھائی کی حالت کتنا کمزور ہو گیا یہ. اریو تیرے گھر میں کھانا نہیں پکتا, کیا حال کر دیا تو نے میرے بیٹے کا؟ نہیں اما کیا ہو گیا, ان کے گھر میں تو بہت اچھے پکوان بنتے ہیں. رہنا دے, اچھے پکوان مجھے پتا ہے. بھیگ کا پیالہ ہوتا تھا ان کے ہاتھوں میں, سارے محلے میں مانگتے پھرتے تھے. کتنا عرصہ تو ہمارے گھر سے کھانا جاتا رہا ان کے یہاں. ارے ایسے بوتا, توبہ توبہ میرے بولا. ارے شبون بیٹا اس کو احسان مت سمجھنا, سارے محلے کا نمک ان کے خون میں شامل ہے ہمارے گھر کو ملا کر. میں یہاں یہ سب سننے آئی ہوں. اما آپ چھوڑے پرانی باتوں کو, اتنے عرصے بعد آئے ہیں دونوں. ارے بیٹا شبون کیا بیوی کے پلو سے بندہ رہے گا؟ ہاں ماں سے پیار لے میرے بچے. ہاں ہم یہاں کوئی پیار لینے نہیں آئے ہیں, اپنا سامان لینے آئے ہیں. ہم یہاں نہیں رہیں گے. جمیلا شمون میری بات غور سے سنو, تم لوگوں کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تم لوگ ادھر آ کے رہو پلیز, یہ میری گارنٹی ہے. اس گھر میں کوئی تم لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا, وعدہ ہے یہ میرا. تم تو اپنی لالچ میں جھوٹے وعدے کرو گی. میں نے سوچ لیا میں اب یہاں نہیں رہ سکتا. میرا اس گھر میں کیا حشر ہوگا یہ خواب میں نے حقیقت میں دیکھ لیا ہے. چلو اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ کل کی بیوی کے لیے آسمان سے لکھوائی ہوئی ماں بہن کو بھول جائے گا بیٹا. شمون ایک منٹ میری بات سنو, تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہمیں. میں تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, نہ جاؤ پلیز, نہ جاؤ. دیکھو یہ میری زندگی کا سوال ہے, میں یہاں نہیں رہ سکتا. اور آپ لوگوں نے خود ہی تو میری شادی کرائی تھی, مجھے تو نبھانی ہے نا. میں نا آپ لوگوں کو ملنے کے لیے آتا رہوں گا. ہاں ارے شمول اے کیسا چلا گیا ماں کا کلیجہ, اے کیسا غم ملا ہے اس عمر میں. دو دو جوان بیٹیوں کا فرض, اوپر سے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. ارے درخشا بدر تھی کیوں کرائی تھی یہ شادی؟ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی تو نے. اے
देख लाली, इतना बनाओ सिंगार करके भी मैं उजड़ी हुई लग रही हूं। कुछ भी तो नहीं जच रहा मुझ पर। तू तो बहुत साल पहले बेवा हो गई थी लाली, तुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी। जैसे सब खत्म, हर खुशी, हर सुख खत्म। मेरी तो खुशी ही इसके बाद शुरू हुई थी। बेवा तो अब हो जाऊंगी तुम्हारे साथ। अम्मा, सुना है तुझे साथ नहीं ले जा रहे, जिसके लिए तूने अपने जायज खावन को मार डाला, अपने बच्चों को यतीम कर दिया और इस हवेली में एक नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। आज उससे तेरी आखिरी मुलाकात भी नहीं करानी चाहिए। हाय, तेरी मोहब्बत। ये अम्मा, अपनी मोहब्बत का कोई आखिरी पैगाम देना है तो बताते। नाजनीन नहीं जाएगी। मगर बेबी, मुझे भी फूफा जान से मिलना है, मुझे ले चले। जाना होगा, बहुत जल्द जाना होगा। पहले इस हवेली के दुख तो देख लो जो तुम्हारे भाइयों और बाप ने दिए। चलो साजिद। बेबे सरकार, बेबे सरकार, मुझ पर रहम करे, मेहरबानी करे, मुझे ले चले मेरे सरकार के पास, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा। उस रहम दिल को मुझे देखने दे। सरकार के बड़े एहसान है मुझ कमजात पर, मिलकर शुक्रिया तो अदा करने दे। अब आकर मैं नमक हराम कैसे बन जाऊं, कैसे बन जाऊं। बेबे सरकार मुझे साथ ले चले, बेबे सरकार मुझे साथ ले चले। तुम चल सकती हो लाली, तुम मेरी वफादार रही हो, हालांकि तुमसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं, फिर भी तुमने मुझे कभी दगा नहीं दिया। नाजनीन को जाने की जरूरत नहीं। चलो साजिद। कल 10 बजे ठीक तैयार होके मेरे घर आ जाना। अब तुम मुझे बताओ, अम्मा को बताए बगैर, उनसे पूछे बगैर मैं कैसे कर लूं कोर्ट मैरिज? हाँ तो कर लें कोर्ट मैरिज, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी अगर बात अम्मी की है तो अम्मी ने बड़ी आपकी परवाह की है, जो आप उनकी परवाह करें। आप ही यहाँ पर किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई आपके बारे में नहीं सोचता, तो बेहतर ये है कि आप अपने बारे में सोचें और राहिल भाई के साथ शादी करके अपना घर सेट करें। क्या करूं मैं,
अम्मा को अकेला कैसे छोड़ दूं? अब्बा से जो वादा किया था मैंने कैसे तोड़ दूं? वो राहिल को भी नहीं छोड़ सकती मैं, करूं तो क्या करूं? जीना की वे मर के कोई रात बहानी मायनी तेनु वास्ता खुदा दा आईनी आ जा गल नल ना जा मायनी तेनु वास्ता खुदा दा आईनी आ जा गल नल ना जा मायनी। बेटा तुझे ये बंदे राहिल ने दिए थे ना? जी। बेटा अल्लाह ने तुझे ना सिला देने वाली मिट्टी से बनाया है। इन पैरों की जन्नत तेरे नाम है। तूने मेरी बड़ी खिदमत की है बेटा। आज ये लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? बहुत प्यारी लग रही हो तुम इसमें, हूबहू मेरी जवानी की तस्वीर लग रही हो। और कुछ अम्मा? नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह करे मैं अपनी इन आँखों से तेरी शादी बादशाह के साथ होते हुए देखूं, महल में इसी तरह तैयार होकर तुझे घूमता फिरता देखूं, बानियां तेरी खिदमत करते हुए देखूं। बासु ये राहिल के दिए हुए कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ करने जा रही हूँ? मैं इस चांद पे दाग नहीं। कल 10 बजे ठीक तैयार होके मेरे घर आ जाना, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। आपकी मुलाकात आइए। फूफा जी से माफी तलाफी करें, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आप सब क्यों मिलके मेरा घर तबाह करना चाह रहे? अम्मा ये कैसे हो सकता है? अरे कोर्ट में तो सब हो जाता है मिनटों में। 2 रुपए का पेपर, 10 रुपए का पेन और 100 रुपए काले कब्बे को दे दो, बस हो गया। सारी हुक्मरानी, सारी बहादुरी निकाल कर ले जाओ मेरे सीने से और अपने सारे आंसू यहाँ दफन कर दो। जिस राहिल को मैं जानती हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई थी, उसने एक पल भी नहीं लगाया मुझे फर्श का करने में। मेनाज साजिद, कोई यहाँ में बात करना चाहो? मेराज सागर इधर आओ।